डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास 7 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल से है। चूज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को चूज़ करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। तो अपन कह सकते हैं जिसका डी बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती है? तो शो दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्या शो करती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 7/3। तो अगर हम इसको कट करके देखें डियर स्टूडेंट, तो अगर मैं इस 27/1 को यहाँ देखो, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेती हूँ, आपको दिख रहा होगा योग, थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लेती हूँ। 27, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/3 विल बी क्या होगी, 14/20, 14/21, 21/3 और 28/5। इसी में से आपको चूज़ करना था, भी मैंने पेपर में दिखाया। तो इसको मैं एक 2 की टेबल से कट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 7/10। आप इसको ऐसे गोला बना ले। 14 को अगर मैं 7 की टेबल से 2/3 टाइम कट करती हूँ तो ये मिलता है। अगर मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट 3 की टेबल से कट करती हूँ 7 टाइम और 3 की टेबल से इसको कट करती हूँ 3, तो ये रहा मेरा आंसर, ये इसके इक्वल है, आपको दिख रहा होगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 7/3 के इक्वल क्या है, 21/9। तो यही हमारा क्वेश्चन था। देखो स्टूडेंट, भले ही वीडियो लंबी हो जाए पर हमें समझ में आना चाहिए। तीसरा, एक मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड किससे मिलकर बनती होती, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। कैसे, देखिए यहाँ पर ये रहा, जिस तरह से ये फ्रैक्शन बनी हुई है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2 complete 3/5। तो ये ध्यान रखना है आपको इसी तरह से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1/3 of 27। तो आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या, 1/3 × 27/1। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे, 27/3 आंसर। तो आप देखिए यहाँ पर भी इसका आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा, सी आंसर होगा, 27/3। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, ग्रेटर ऑप्शन में है आपका क्वेश्चन, आप यहाँ से देख लीजिए, 3 complete 5 और 3 complete 2/3, 3/5 ही इसमें से। तो मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन करके बता रही हूँ, मेरे सॉल्यूशन आपको दिख रहे होंगे। तो मेरे क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से, ये रहा क्वेश्चन, दिखा देती हूँ मैं, ये रहा आपका पेपर क्वेश्चन ये वाला, और यहाँ मैं आपका सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा यो। तो 3/5 और 3 complete 2/3 में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? तो आप सबसे पहले 3/5 लिख लीजिए, इसको मिक्सड में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, 3 × 3 = 9, 9 और 2 = 11/3। अगर डियर स्टूडेंट मैं इनका एलसीएम लेती हूँ तो कितना होता है मेरा, 15, कितना होता है 15। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, 5 को 15 से डिवाइड करूँगी तो कितना होगा, 5 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। कॉमा इंसर्ट कर दूंगी, 15 को 3 से डिवाइड करूँगी तो मुझे 5 × 5 × 11 तो कितना हो गया, 9, 11/15। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ 9/15 और 11/15, तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो आपको पता है 11/15 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो ये तो है आपका ए, ये वाला पार्ट क्या है ए, और ये वाला पार्ट क्या है आपका बी। तो आप देखिए आपका बी बड़ा है कि ए, तो आपका बी बड़ा है ए की अपेक्षा, तो आप आंसर ये टिक करेंगे, बी ग्रेटर ए। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको अच्छे से कैसे किया मैंने। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलती हूँ, आप क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आपको दिख रहा होगा
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15/32 इफ वन ऑफ देम इज 3 कम्प्लीट 16 फाइंड द अदर फ्रैक्शंस। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप देखिए कैसे करते हैं हम। इसको यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको साथ में ही दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये रहा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, देखिए अच्छे से क्वेश्चन दिखना चाहिए मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है हमको, ये रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, अगर मैं दो नंबर लिखती हूँ तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 15 कम्प्लीट 32 वन ऑफ देम आपको लाइंस लिखनी आनी चाहिए फ्रेंड्स, 3/16 तो अदर विल बी दूसरा क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स, आप एक्स मानेंगे तो दो नंबर मानती हूँ मैं, एक नंबर मेरा एक्स है, दूसरा नंबर दे रखा है मुझे मल्टीप्लाई में 3/16 इक्वल होगा 15/32 के, तो मुझे दूसरा नंबर ढूंढना है तो मैं ऐसे करूँगी। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँगी 3 को 3x और नीचे का नीचे से क्या हो गया 16 इक्वल होगा 15/32 सके। अब देखिए ऐसे सवाल जब आते हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 3x मल्टीप्लाई 32 ऐसा लिख सकती हूँ। तो आप ही देखिए कि x को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो मैं यहाँ से x रिमूव कर देती हूँ और ये 16 मल्टीप्लाई 15 है, यहाँ लिख देती हूँ 16 मल्टीप्लाई 15। अब मैं कट करती हूँ यहाँ से, देखिए 3 की टेबल से 15 को कट किया मैंने, मुझे क्या मिला 5, 16 की टेबल से मैंने 32 को कट कर दिया 2 टाइम, मतलब ये अपॉन लिखने का मतलब क्या है कि डिवाइड किया है, तो x बराबर आपका क्या हो गया 5/2, तो ये दूसरा नंबर है। अब आप इसके आंसर को भी चेक कर लीजिए, चेक कीजिए आंसर को क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। अगर मेरा एक नंबर है 5/2 और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ दूसरा नंबर 3/16 से, तो वो इक्वल होगा 15/32 के। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, चेक कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं। तो आप देखिए 5 3 15 और 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपको आंसर निकालने आने चाहिए स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक एक टीचर टेक 6 पीरियड्स इन अ डे, एक टीचर है 6 पीरियड लेता है एक दिन में, द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 2/3 hours, वॉट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 पीरियड्स। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करती हूँ, टीचर टैक्स में यहाँ से आपको दिख रहा होगा अच्छे से, देखिए हम यहाँ पर सबको हटा देते हैं और यहाँ से देखते हैं। एक टीचर है जो टाइम लेता है, टीचर है 6 पीरियड, टीचर टैक्स 6 पीरियड, टीचर टैक्स टोटल पीरियड कितने ले रहा है 6 है ना, ड्यूरेशन ऑफ वन पीरियड क्या है 2 complete 3 hours, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 पीरियड हमको क्या पूछा है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 पीरियड। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, 2 complete 3 hours होता है, 6 में क्या होगा 1, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, तो आप इससे कट कर दोगे 2 टाइम, 2 जा कितना हो गया 4 hours, टोटल ड्यूरेशन जो टीचर्स की होगी 6 पीरियड में 4 hours की होगी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से दिखा दिया था, आपने अच्छे से देखा था। अब आपका आ रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है किसका, मल्टीप्लाई करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करना है 3.4 and 100 को, किसको करना है स्टूडेंट 3.4 multiply 100, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3.4 multiply 100 कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर हमें डेसिमल हटाऊंगी तो कितना हो जाएगा, डेसिमल 1 के बाद में है तो 10 हो जाएगा, कट करते हैं 10 से 10, तो हमारे पास क्या हो गया 34 मल्टीप्लाई 10,
किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 340 आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड इसी का बी पार्ट है, आपको दिख रहा होगा 4.2 को मल्टीप्लाई करना है 3.4 से, तो 3.4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट देखिए आप हम कैसे करते हैं, 4 2 मल्टीप्लाई 3 4, मैं ये डेसिमल है यहाँ पर इसको हटा देती हूँ, तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ 42 मल्टीप्लाई 34 अपॉन 100, यही है हमारा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं हम, 42 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर से, 4 2 8 4 4 16 3 2 6 3 4 12 8 6 6 12, कैरी किया 1 2 2 2 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1। अब देखिए हमारे पास आ गया 14 28 अपॉन 100, ये हमारा आंसर होगा। अब 20 से तो यहाँ डेसिमल लगाना होगा, 14.28 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको समझते हुए शांति के साथ में चलना है। अब स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन आ रहा है कन्वर्ट में, कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, कन्वर्ट यूनिट्स अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है 10 mm को, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रही हूँ, तो आपको 10 mm को कन्वर्ट करना है cm में, किस में कन्वर्ट करना है cm में। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को बताती हूँ कि एक फॉर्मूला लिख लीजिए, किंग हेनरी डाइड वाइल ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये मैं स्टूडेंट को कहती हूँ। अब आपके पास में mm है, 10 mm, तो mm ये रहा मेरे पास, ये mm 10 mm, इसको मुझे करना है cm में, तो cm को रहा ये रहा यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यहाँ से आपको ये करना है 10 mm को cm में कन्वर्ट करना है, तो cm कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10, कितना है, तो आप कह सकते हैं 1 cm इक्वल टू 10 mm, क्योंकि इनके बीच की c और m के बीच की दूरी क्या होती है हमारा 10 10 की होती है, तो ये 1 cm में 10 mm होता है, तो 10 mm में कितना सेंटीमीटर होगा, तो अपन करते हैं यहाँ 10 है तो 1 cm होगा, 10 mm में कितना होगा 1 cm, तो हम यहाँ 1 कर देंगे, ठीक है, 1 cm इक्वल टू 10 mm, तो 10 mm इक्वल टू 10/10 डिवाइड करा देंगे हम, है ना, तो क्या हो जाएगा 1, जब रिवर्स चलते हैं तो डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका बी पोर्शन, ये तो कर लिया हमने ए, बी पोर्शन कहता है हमारा 50 किलोलीटर को चेंज कर दो ml में, किसमें कर दे ml में, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से लिखिए, किंग हेनरी डाइड वाइल ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, तो kl यहाँ सब में l डाल दे स्टूडेंट सब में, और d l, और यहाँ पर भी l, w की जगह l लिखते हैं, dl cl और ml, आपको ये समझना होगा। तो यहाँ 50 l, तो यहाँ से देखिए के एल जहाँ लिखा है वह 1 लिख दीजिए और सब में 0 1 2 3 4 5 6 0s, तो आपको लिखना होगा 1 kl इक्वल में कितना हो गया 1 और 1 2 3 4 5 6 0s है, 1 2 3 4 5 6 0s है, मतलब अगर मैं इसको करूँ ऐसे तो 10 lakh आता है, कितना आता है 10 lakh ml होगा। तो अब मुझे क्या करना है कि इस 50 kl को मैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया ml, तो आपको क्या करना है 50 multiply 10 lakh ml आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जब ml में होगा आपको कन्वर्ट, तो क्या हो गया 50, और यहाँ से देखिए जितनी जीरोज है उसमें से 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 50 का 0, अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ml आंसर, समझ में आया होगा, नहीं आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए, वीडियो भले ही लंबा हो जाए पर अच्छे से समझना है। सी आंसर देखिए यहाँ पर, 10 मीटर को किस में चेंज करना है mm, तो देखिए यहाँ पर वापस से लिखिए आप, किंग हेनरी डाइट वाइल ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट बहुत ही प्यारा चीज़ है, जहाँ w है वहाँ डाल दीजिए आप मीटर, बीच की यूनिट को, तो 1 मीटर में क्या इतना हो गया, देखो यहाँ 1 लिखिए और 1 2 और 3 mm यहाँ होगा, देखिए km hm dm m
BM, CM और MM. आपको यहाँ पर जो यूनिट यहाँ पीछे लिखी होती ना, पीछे वाली यूनिट, उन सब के साथ में के के साथ में, एच के साथ में लगाते जाइए. अगर आपको समझना हो डिटेल तो आप मुझे डिमांड करें, मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी. तो आप लिख सकते हैं वन मीटर में किसके इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर के. तो मैं कर सकती हूँ, अगर वन मीटर में तो 10 मीटर में कितना होगा, तो मैं कर सकती हूँ 10 × 1000. तो कितना हो गया मेरा, 1 × 1 × 1234 ज़ेरोस. तो कितना हो गया मेरा 10,000 mm होगा. 10 मीटर में 10,000 मिलीमीटर होगा. इस तरह से मैंने आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूरी करवा दी. डियर स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.